दोस्तों, आप भी अगर रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैदान पर आते ही रोहित शर्मा ने अकेले मैच को खत्म करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कप्तान रोहित शर्मा ने चौके और छक्के से ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जो आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाए। आज रोहित ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास लिख दिया है। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी से कैसे भारत पहले 10 ओवर में ही मैच जीत चुका था, इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। लेकिन इससे पहले रोहित और बाबर आजम में आपको क्या लगता है, बेहतर तूफानी बल्लेबाज और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित ने मैदान पर उतरते ही आज मानो मुकाबले को खत्म करने की कसम खाई थी, क्योंकि अकेले ही ऐसी बल्लेबाजी कर डाले जो अफगानी खिलाड़ी कभी सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे। रोहित कुछ ऐसा कर जाएंगे और हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले ही 10 ओवर में 90 रन से ज्यादा बना डाले थे। दोस्तों, रोहित शर्मा की पारी इतनी तेज तर्रार थी कि वनडे के अभी 6 ओवर पूरे भी नहीं हुए थे, 70 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके थे। आपको बता दें कि रोहित और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और हमारे पास कुछ खास टारगेट नहीं थे। अफगानिस्तान ने मात्र 272 रन का ही टारगेट दिया था हमें, और दिल्ली जैसी फ्लैट पिच जहां साउथ अफ्रीका श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बनाकर वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर रिकॉर्ड बना चुकी थी, वहां रोहित शर्मा भला कैसे पीछे रहने वाले थे। अफगानिस्तान जैसे टीम के सामने रोहित शर्मा के लिए यह टारगेट बहुत ही छोटा और बहुत ही बौना टारगेट था। वहीं बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर फजल हक फारूकी का वो हश्र किया है जो फजल हक फारूकी आज सपने में भी इस बात को नहीं सोच सकते। फजल हक फारूकी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हमारे हिटमैन रोहित शर्मा के नाम दर्ज हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने आज दुनिया में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो शायद कोई और कर पाएगा। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा का यह रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। क्रिस गेल इससे पहले 556 छक्कों के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने बल्लेबाजों में नंबर एक पर था। आज रोहित शर्मा ने 556 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, आपको अगर रोहित शर्मा का बल्लेबाजी और उनका रिकॉर्ड पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।